Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 7th October 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Keep on taking all the safety precautions and keep on following all the COVID protocols. डू नॉट बी रिलेक्टेंट कि कोरोना तो ख़त्म हो गया, सब कुछ खुल गया है, स्कूल्स भी खुल गए हैं. ऑफकोर्स सब चीज़ खुल गई है क्योंकि कितने दिन तक बंद रखेंगे, बट वी हैव टू बी केयरफुल. अभी आने वाले बहुत टाइम तक के लिए हमें केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है. केयरफुल इन द सेंस दैट वी मस्ट फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स. ठीक है, बिकॉज ये किसके लिए ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ओन सेफ्टी. और किसी के लिए नहीं, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हमें सारे प्रिकॉशंस अभी भी फॉलो करने हैं और जो कोविड प्रोटोकॉल जितने हैं वो सारे हमें अभी भी फॉलो करने हैं. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विथ यूनिट नंबर 7 इन ग्रामर, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, एंड वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द सेम यूनिट. ठीक है, सो वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर 1 and 2. टुडे वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज नंबर 3. सो बाय नाउ आई होप use of these are and those are is very very clear to you all. Use of this is and that is we have done earlier, हमने पहले ही कर लिया है use of this is and that is, and अभी हमने use of these are and those are भी सीखा. तो now in this exercise, this is you can say is like revision. ठीक है, ये वाली जो exercise है ये आपका रिवीजन जैसे है. ठीक है, रिवीजन ऑफ दिस इज दैट इज दीज आर एंड दोज आर. सो यू नो वेयर डू वी यूज दिस इज एंड दीज आर. दिस इज एंड दीज आर बोथ आर यूज्ड फॉर समथिंग विच इज नियर अस. ठीक है, हमारे जो पास है. दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड दीज आर इज यूज्ड फॉर प्लूरल. सिमिलरली दैट इज एंड दोज आर. These two are used for showing something which is away from us. Again, that is used for singular and those are is used for plural. क्योंकि is का use हम singular के लिए करते हैं and are का use हम plural form के लिए करते हैं. Okay? So here in this exercise, pictures are given. Pictures के basis पे you have to fill in the blank with this is or that is or these are or those are. Okay, so the exercise, the question says, let us revise question number 1, 2, 3. Children, this is question number 3, page number 31. Page number 31 in your English grammar book. Okay, so let's, L-E-T-S. जब हम ऐसे apostrophe लगा के S लिखा है हमने, that means it is the short form of let us. Okay, let us. Revise, let's R-E-V-I-S-E, revise the use of this oblique that oblique these oblique those. Oblique का मतलब है कि या तो दिस या दैट या दीज या दो से हमको फिलअप करना है. नाउ चिल्ड्रन, इज एंड आर इज ऑल्सो गिवन. जहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर है, एक इमेज है, वहाँ पे दिस या दैट लिखा हुआ है, एंड वेयर द नाउन इज इन प्लूरल फॉर्म वहाँ पे दीज, वहाँ पे आर या आर लिखा हुआ है. ओके, सिंगुलर है तो इज लिखा हुआ है, प्लूरल है तो आर लिखा हुआ है. यू जस्ट हैव टू फिल दिस दैट these or those. Okay, so first is dash is my bat. और क्या है यहां पे, एक bat की picture बनी है. ठीक है, this is a bat. Second is some vegetables are there. कुछ ऐसे करके कुछ vegetables बनी है ना. ये एक है, ये एक बड़ा सा pumpkin दिख रहा है. ठीक है, suppose कुछ tomatoes है, और क्या दिख रहा है, tomato, potato, onion जो भी है,
आर वेजिटेबल्स, वी ई जी ई टी ए बी एल ई एस, वेजिटेबल्स. ओके, थर्ड इज अ हाउस, यहां पर एक हाउस बना है. अभी हाउस तो बना है, मैं एकदम सिंपल से ऐसे हाउस बना रही हूं. ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग अ सिंपल. ओके, फोर्थ इज ये क्या बना है, एक इज अ डस्टबिन. ओके, अच्छा वन मोर इज देयर. अभी ये टाइगर कप्स तो बनाना मुझे नहीं आएगा, तो मैं आर टी आई जी ई आर एस, टाइगर्स, एंड यहां पे टाइगर्स की पिक्चर बनी हुई है. ओके, नाउ लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पिक्चर, पिक्चर क्या है, सिंगल एक बैट की पिक्चर है. एंड इन द सेंटेंस ऑल्सो इज गिवन, सेंटेंस में भी इज दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज सिंगुलर. तुम या तो दिस फिलअप करेंगे या दैट फिलअप करेंगे. नाउ वेयर इज द पिक्चर. ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है. अगर इज है तो हम दिस या दैट फिलअप करेंगे, एंड इफ आर इज देयर देन वी विल फिलअप दीज और दोज. अभी बस हमें क्या देखना है कि वेयर इज द पिक्चर. Now here the picture is after the sentence. Sentence के बाद है, that means it is away from us. हमसे दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, that. ठीक है, sentence कहाँ है, picture कहाँ है, picture जो है वो sentence के end में है, तो वो क्या हो जाएगा, that. So that is my bat. Okay? Next क्या है, are vegetables. Vegetables हमें दिख रही है. Now, where is the picture of the vegetables? Vegetables की picture कहाँ बनी हुई है? Vegetable की picture जो है, vegetables की picture sentence के beginning में बनी है. So, क्या हो जाएगा यहाँ पे? These. T-H-E-S-E. These are vegetables. Okay? Then next क्या है इसके बाद? Is a house. Is it? That means singular है. अभी house कहाँ बना हुआ है? The picture of the house is after the sentence. Sentence के बाद है house की picture. तो क्या हो जाएगा? That means it is far. तो यहाँ पे हो जाएगा that is a house. ठीक है? That is a house. Then dustbin. अभी picture dustbin की picture कहाँ बनी है? The picture of the dustbin is before the sentence. Sentence के पहले है. तो वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा this. This is a dustbin. Okay? And यहाँ पे tigers की picture कहाँ बनी हुई है? Tigers की, tiger की picture, जो tigers है उनकी picture बनी है after the sentence. So that means they are far from us. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Those are tigers. ठीक है? Since पिक्चर सेंटेंस के बाद है, तो दैट मीन्स दे आर फार फ्रॉम अस, तो दोज आर टाइगर्स. सो दैट इज माई बैट, दीज आर वेजिटेबल्स, दैट इज अ हाउस, दिस इज अ डस्टबिन, एंड दोज आर टाइगर्स. ओके चिल्ड्रन, सो इन द बुक वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज. ऑफकोर्स मैं भी कुछ एक प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगी. सो आई होप दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इज, दैट इज, these are, those are is clear to you all. ठीक है, in case of any doubt you can always ask me in the online class. Now after this there is a fun activity. These are the pictures of my favorite cartoon characters. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ एक कार्टून कैरेक्टर्स की पिक्चर दी हुई है. ठीक है, छोटा भीम है, डोरेमोन है, थर्ड वाले का नाम मुझे नहीं पता. इसे यू जस्ट हैव टू कलर इट. दिस इज फन टाइम एक्टिविटी, यू जस्ट हैव टू कलर इट. ओके, नाउ चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस फॉर योर रिवीजन. ओके, इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ, एंड जो अभी मैं कराने जा रही हूँ दैट इज नॉट देयर इन योर बुक. ओके, वो आपकी बुक में नहीं है, वो मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ. ओके, सो
सो इसे मैं अभी इरेज कर रही हूँ. आई होप एवरीवन हैज रिटन. आई एम गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस. चलो फर्स्ट इज फेल इन द ब्लैंक्स विथ विथ दिस टी एच आई एस दिस और टी एच ई एस ई दीज. ठीक है. पिक्चर्स आर नॉट देयर बाय लुकिंग एट द नाउंस. नाउंस को देख करके कि वो किस फॉर्म में है. बाय लुकिंग एट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल यू हैव टू फिल इट विद दिस और दीज. ओके. द फर्स्ट फर्स्ट वन इज डैश बॉय रोज. थर्ड इज टेडी बेयर. देन फोर्थ इज बेड. देन नेक्स्ट इज कैप. सिक्स्थ इज चेयर्स. सेवेंथ इज टॉय. गर्ल्स टेबल. एंड टेंथ इज बुक. ठीक है. नाउ अभी ये बताओ यू जस्ट हैव टू फिल विथ दिस और दीज. ठीक है. इसको अब सिर्फ आपको दिस या दीज से फिलअप करना है. ओके. अभी इसमें हमें क्या करना है. फर्स्ट जस्ट सी द नेमिंग वर्ड. जो नाउन है उसे आप देखोगे. बॉय. बॉय इज सिंगुलर. बॉय क्या है. सिंगुलर नेमिंग वर्ड है. है ना. बॉय इज अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड. तो बॉय क्या हो जाएगा. दिस बॉय सिंगुलर है तो दिस बॉय. रोजेस. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रोजेस. रोजेस का जो फॉर्म है दैट इज प्लूरल. रोजेस का फॉर्म प्लूरल है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा. दैट विल बी दीज रोजेस. ओके. प्लूरल फॉर्म के साथ हम दीज यूज करेंगे. हियर इज या आर कुछ भी नहीं है. ठीक है. दीज जैसे हमने भी पढ़ा ना दीज आर रोजेस. वी से दीज आर रोजेस. इसको हम और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं. दीज रोजेस आर ब्यूटिफुल. ठीक है. दीज रोजेज आर रेड इन कलर. ओके. सो हियर वी आर फिलिंग अप विथ जस्ट दिस और दीज. दिस बॉय इज वेरी नॉटी. दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट. ऐसे भी हम बोलते हैं. दिस इज द बॉय एंड दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट. टेडी बेयर. टेडी बेयर क्या है. इट इज सिंगुलर इन नंबर. अगर टेडी बेयर्स होता तो क्या हो जाता. प्लूरल होता. इट इज टेडी बेयर. तो ये क्या हो जाएगा. दिस टेडी बेयर. ओके. दिस टेडी बेयर. देन बेड. बेड इज अगेन सिंगुलर इन नंबर. तो दिस बेड. कैप्स. कैप्स क्या है. प्लूरल है. क्या हो जाएगा ये. दीज कैप्स. कैप्स इज प्लूरल इन नंबर. सो दीज कैप्स. चेयर्स. चेयर्स अगेन चेयर्स इज प्लूरल इन नंबर. सो टी एच ई एस ई दीज चेयर्स. टॉय. टॉय क्या है.
टॉय अगेन टॉय इज सिंगुलर है तो दिस टॉय, और अगर प्लूरल होने पे क्या फिलअप हम करेंगे, प्लूरल होने पे दीज टॉयज। गर्ल्स, गर्ल्स इज सिंगुलर इन नंबर, सॉरी प्लूरल इन नंबर्स, तो दीज गर्ल्स। देन टेबल, टेबल का क्या होगा, दिस टेबल एज इट इज सिंगुलर इन नंबर, ओके। एंड बुक, बुक अगेन इज सिंगुलर, सो दिस बुक, ठीक है। दिस इज योर रिवीजन, ये मैं दिस दैट दीज दोस का कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए रिवीजन करा रही हूँ, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द रिवीजन ऑफ दैट एंड दोस, ओके। ये दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, इसे मैं आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये करवा रही हूँ, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द चिल्ड्रन, दैट इज ऑल फॉर द डे टू डे चिल्ड्रन। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास प्रोवाइडेड यू सी द वीडियो। बहुत कम बच्चे हो आप लोग जो रेगुलर वीडियो देखते हो, वो आपका मुझे टेस्ट पेपर देख करके बहुत इजीली समझ में आ गया है कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वॉच द वीडियो, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।